क्या होगा अगर एमसीयू के मैड टाइटन थानोस और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां अस्त्र और शस्त्र भी थे। थानोस अपनी फुल शान के साथ भगवान परशुराम पर अटैक करेगा पर परशुराम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे जो कि मन की गति से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां भी थी इसलिए वो थानोस के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही भगवान परशुराम के पास परशु शिव धनुष त्रिशूल सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी हैं जो कि एक ही सेकंड में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। थानोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली अस्त्रों को कुछ ही मिनटों में मार डाला था और पूरे इस बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उसे मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। और अगर इवन थानोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो परशुराम मन की गति से चलकर ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके एक ही सेकंड में उसके स्नैप करने से पहले ही उसे एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। इन द एंड थानोस पावरफुल तो बहुत है पर एमसीयू का ये मैड टाइटन इतना पावरफुल होने के बावजूद परशुराम को ना ही मार सकता है ना ही हरा सकता है जबकि भगवान परशुराम थानोस को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इसलिए परशुराम इस फाइट के अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।